हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है बैडमिंटन में। जो आज का जो टॉपिक है और जो मैं बात करूँगा, ये बेनिफिट्स ऑफ पोर्क मीट। पोर्क मीट के कौन से फ़ायदे हैं आज आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगा। नहीं तो आपने तो सुना होगा, बहुत आदमी बोलते हैं यार पोर्क का मीट में ये बीमारी है वो बीमारी है। अच्छा है आज तक किसी ने बताया नहीं, तो मैंने सोचा मैं बता देता हूँ। एज ए नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ, मैं असम का बासिंदा हूँ। यहाँ पे सबका जो फेवरेट मीट है वो पोर्क ही, और बहुत टेस्टी होता है। मैं कुछ पिक्स आपको डालूंगा, आप बोलोगे नहीं कि सच में पोर्क इतना अच्छा दिखता है। चलिए, आपको खाना नहीं खाना ये आपके ऊपर है, पर मैं बताना ज़रूरी चाहता हूँ कि जो मीट है उसका फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि जो मीट कंजम्पशन लेवल है एक पर्सन का हमारे इंडिया में जो होना चाहिए, वो होना चाहिए 34 ग्राम पर हेड पर डे। पर मिलता कितना एक आदमी को? 12.6 ग्राम पर हेड पर डे। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ये आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हो। उसके बाद वो उसके डिमांड एंड सप्लाई में भी बहुत ही ज़्यादा गैप है। फिर हमारा पॉपुलेशन दिन भर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, अब 125 करोड़ मोदी जी की स्पीच में आपने सुना होगा, किंतु अभी आप रिसेंट देखोगे और बड़े लोग मतलब रिसर्चों का मानना है कि 135 137 करोड़ हमारा पॉपुलेशन पहुंच चुका है। तो उस पॉपुलेशन का जो डिमांड है उसे मटन और सेवन नहीं दे सकता, फुलफिल नहीं कर सकता, इतना तेज़ी से जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आप सेवन, मैं आपको बता दूं, द गोट मीट इज नोन एज सेवन, ठीक है। गोट मीट को हम सेवन बोलते हैं। ये आप कोई भी वेटनरी फर्स्ट रेस्टोरेंट से पूछना, ये एग्जाम में आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछते ही पूछते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको हमेशा याद रखना कि गोट मीट को हम सेवन बोलते हैं। आपने यदि मटन बोल रहा है इतना दिन से, तो ये आपका गलत है, मटन हम शिप के मीट को बोलते हैं। उसके बाद ये पोर्क मीट सबसे ज़्यादा वेट गेन करता है। अगर आप 3.5 से 4 किलो उसको खाना खिला रहे हो, कुछ भी फीड आप उसको दे रहे हो, तो 4 किलो से आपको 1 किलो खुद का बॉडी में गेन करेगा वेट को। मतलब 4 किलो खाना दिया तो उसका 1 किलो उसने अपना गेन किया। आपने 400 किलो खाना खिलाया है तो उसने 100 किलो वेट गेन किया है। जबकि 70 किलो के बाद हम मार्केटिंग एज होता है, वो सब छोड़िए, ये आपसे डिस्कस करने की बात नहीं है। जो आपका मेन चीज़ है आप यहाँ पे ध्यान दीजिए बेनिफिट्स क्या है। तो जो प्रोटीन होती है गहोड़ी मीट में, गहोड़ी हम एसामिस लोग बोलते हैं, जो पोर्क मीट में जो प्रोटीन होती है उसका, उसमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड, सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग लाइसिन मिथियोनिन। और जिनको नहीं पता एसेंशियल अमीनो एसिड होता क्या है, मैं उन्हें बता दूं, अमीनो एसिड हमारा बॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकता, वो हमको बाहर से लेना होता है डाइट में, ठीक है। तो आप यदि पोर्क खा रहे हो तो आपको अलग से एसेंशियल अमीनो एसिड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पोर्क से मिल जाएगी। पोर्क मीट आपको मिनरल एंड विटामिन दोनों ही प्रोवाइड करती है। इंसान 97% ऑफ पोर्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेते हैं और 96% पोर्क फैट को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं इंसान। जो विटामिन B12 है, जो कि सिर्फ एनिमल सोर्स या फर्मेंटेड प्रोडक्ट से मिलती है, जो पोर्क मीट विटामिन B12 का 2/3 रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है। आप समझ सकते हो विटामिन B12 का जो 2/3 जो हिस्सा है उसको भी वो प्रोवाइड कर देता है, कौन? पोर्क। तो पोर्क तो समझने और खाने वाली चीज़ है भाई, और टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है। कभी आपने नहीं खाया होगा, आओ ऐसा खा के देखो, बहुत टेस्ट लगता है। पोर्क मीट में पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें तो बीफ से, लेम से, लेम मतलब जो भेड़ा का जो बच्चा होता है उससे यदि आप कंपेयर करें, या दूध से, उसमें उन सबसे ज़्यादा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहाँ पे होता है? पोर्क मीट में होता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का काम है नर्व फंक्शन में इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड कोटिंग में काम आती है, ब्रेन हेल्थ और अच्छा होता है, इट प्रोवाइड मसल स्ट्रेंथ। आप सोच सकते हो तो कितना अच्छा चीज़ है। पोर्क मीट में जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो काफ़ी अगर कम होती है अगर आप कंपेयर करें तो, जैसे बटर से आप अगर कंपेयर करोगे, या चीज़ से अगर आप कंपेयर करोगे, या एग या सी फूड से, तो उनमें से जो कोलेस्ट्रॉल है पिग का कम है, पोर्क का कम है, ठीक है। पर एक बात याद रखने वाली भी है कि इसमें विटामिन ए और विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है। कैल्शियम तभी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, आपको विटामिन ए और विटामिन डी नहीं मिलती है। चलिए मैं केमिकल कंपोजिशन आपको बता देता हूँ, ये जिसको PhD करना है या बहुत ज़्यादा जानना है उसमें कितना मॉइस्चर कितना फिट होता है, तो ध्यान से सुनिए।
मॉइस्चर जो उसमें होता है 74.3%, प्रोटीन 18.6%, फैट और इथर एक्सट्रैक्ट उसमें होता है 6%, ठीक है। मिनरल 1.1 है, कैल्शियम 0.03% है, बहुत ही कम है बताया था मैंने आपको, फॉस्फोरस 0.20% है, आयरन 2.3, आयरन मतलब ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्लांट, आप जितने प्लांट से आता है ना उससे आप 2 गुना आपको आयरन कहाँ से मिलेगा, सिर्फ पोर्क से मिलेगा, जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है पर 100 ग्राम में 134, मतलब 100 ग्राम आपने पोर्क लिया है तो आपको 134 ग्राम का एनर्जी मिल जाएगा। विटामिन ए IU पर 100 ग्राम 60, ठीक है ना। विटामिन डी तो होता ही नहीं है, तो आपने समझ लिया, सुन लिया, मैं इसका चार्ट बता दूंगा, वो क्या नाम है, रो मिट का, और कहाँ से सोर्सेज भी आपको बता दूंगा, तो आपको अभी बेसिक ज्ञान आ गया कि पोर्क मीट सच में अच्छा है, उसे घिन ना कीजिए, खाइए, खा के देखिए टेस्ट होता है, अगर नहीं खा सकते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हो। चलिए, धन्यवाद।